जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली ओप्पो K9 5G आज लॉन्च हो चुका है, ओप्पो इसको आज लॉन्च कर चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या है, या इंडिया में कब लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम लोगों को इंडिया में कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों कल रात का टेक न्यूज नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। कल बहुत अच्छे अपडेट्स आए थे और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस सैमसंग ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। बस दोस्तों डिस्प्ले वाइज आपको इतने ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ना यहाँ पर आपको कोई HDR10 या फिर HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, ना ही यहाँ पर आपको कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अमेजिंग है, ओलेड डिस्प्ले है तो काफी कलर्स पंची होंगे, काफी ब्राइट डिस्प्ले होगा और इतना अच्छा रिफ्रेश रेट, इतना अच्छा टच सैम्पलिंग रेट मिल जा रहा है, तो एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होगा, काफी फास्ट होगा। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ओलेड पैनल है ना, इसलिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अमेजिंग है, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे कैमरास दे देता है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। सेल्फी की बात कर ले तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो पंच होल के साथ आता है। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है, आप बहुत अच्छे फोटोज ले लोगे, बहुत अच्छे सेल्फीज ले लोगे, ओप्पो के कैमरा से यार तो अच्छे तो होंगे ही होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़े और स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो बहुत ही फिनोमिनल बात है, क्योंकि दोस्तों ओप्पो अपने स्मार्टफोन्स में बहुत कोशिश करता है, अगर वो एमोलेड या फिर ओलेड डिस्प्ले दे रहा है तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देगा ही देगा। यहाँ पर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, LPDDR4X RAM टाइप देखने को मिल जाता है। बैटरी सेक्शन की बात करें तो 4300 mAh का बैटरी मिल जाता है, 65 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है और Android 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, जो कलर ओएस 11.1 पे रन करता है। और यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि 3D लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी ठंडा कर देगा। तो बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ही शानदार हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 765G का सक्सेसर मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 768G, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 620 का GPU मिल जाता है, ये एक 5G प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन काफी फास्ट वर्क करेगा। परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा, आपका स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा, परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने में पीछे से बहुत ही अमेजिंग लगता है, क्योंकि दोस्तों जो डिजाइन है वो दोस्तों जो K9 लिखा हुआ है ना, देखने में बहुत ही यूनिक लुक्स प्रोवाइड कर देता है स्मार्टफोन को। कैमरा हाउसिंग देखने में भी काफी यूनिक लगता है, आगे से एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा दिखता है वैसे ही दिखाई देता है, आपको छोटा सा चिन्ह दिखाई देगा नीचे और छोटे से पंच होल के साथ आता है, तो आगे से देखने में आपको ऑर्डिनरी ही लगेगा, जैसे कि आपको 20-25 हज़ार के स्मार्टफोन या फिर 18-19 हज़ार के स्मार्टफोन दिखाई देते हैं पंच होल वाले, वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन पीछे से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ग्लास बैक के साथ आता है, आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है और आगे कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन मेंशन ही नहीं किया गया है कि कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्शन आगे देखने को मिलता है। तो डिजाइन वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिल्ड वाइज थोड़ा सा पीछे चला गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो करीबन 3 हफ्ते पहले मैं दोस्तों ओप्पो K9 के ऊपर वीडियो बनाया था और जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया था मैं, स्पेसिफिकेशंस को ले लो चाहे प्राइस को ले लो, वो सब कुछ ऑफिशियली मैच कर चुका है, समझ गए, मतलब कि जो उस वीडियो में बताया था वो सब कुछ मैच कर चुका है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से। तो यार देखो यार, मैं जो भी बताता हूँ वो ज़्यादातर ऑथेंटिक ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8+128GB 22,800 रुपये का मिल जाएगा और 8/256 आपको 25,100 रुपये का मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन आज चाइना में लॉन्च हो चुका है।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, ये इंडिया में लॉन्च होगा, इसके चांसेस हैं कि ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आजकल ओप्पो अपने बहुत सारे 5G स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च कर रहा है और ओप्पो के K सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में चलते हैं, लेकिन कुछ टाइम से ओप्पो अपने K सीरीज में कोई स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं कर रहा है। मे बी इसको लॉन्च कर दे। अब देखो यार, ये लॉन्च हो सकता है ओप्पो के सीरीज में, नहीं तो नाम चेंज करके इसको ओप्पो लॉन्च कर सकता है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब कब लॉन्च होगा इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो शायद जुलाई तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाए, क्योंकि आजकल ओप्पो बहुत ज्यादा अपने 5G स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च कर रहा है, तो इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और रहा सवाल दोस्तों वेट करने का, तुम मत करो यार, फालतू में इतने टाइम तक वेट करोगे, अपने मन को मार के रहोगे, तुम मत वेट करो। आपको मैं प्राइस रेंज के हिसाब से स्मार्टफोन बता दे रहा हूँ। 20,000 रुपए का बजट है तो रियलमी X7 5G परचेस कर लो अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए, नहीं तो रियलमी 8 प्रो परचेस कर लो, नहीं तो रेडमी नोट 10 प्रो परचेस कर लो। ठीक है, मैं आपको सारे ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। अगर आपका 30,000 रुपए का बजट है तो मी 11X परचेस करो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। नहीं तो पोको F3 GT के लिए वेट कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। नहीं तो आप IQOO 7 भी परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज ओप्पो K9 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 30 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ओप्पो K9 कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके लुक्स, उसके स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लगे, मेरे को नीचे कमेंट करके जोर से बताइएगा। और मैं ऐसी आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.